फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा एमलोकाइंड 5 टैबलेट के बारे में। एमलोकाइंड 5 टैबलेट जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाई गई है। मैनकाइंड कंपनी भारत के अंदर टॉप कंपनियों के अंदर आती है जो कि सभी प्रकार के अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। आज मैं आपको बताऊँगा इसका क्या कंपोजिशन है, किस तरह से हमारी बॉडी पर यह काम करती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसका मार्केट प्राइस है। इस सब चीज़ की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं एमलोकाइंड 5 के अंदर क्या साल्ट मिला होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर एमलोडिपिन पाया जाता है। एमलोडिपिन जो कि हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रकार से अगर आपका बीपी बढ़ने लग जाए, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपकी बॉडी पर यह काम करता है और क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला तो इसका फ़ायदा यही है कि हाइपरटेंशन की दिक्कत को ख़त्म करने में मदद करता है। आपको किसी भी वजह से हाइपरटेंशन है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इन समस्याओं को तुरंत ही रोक देता है। आधे से एक घंटे के अंदर ही इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो दिल से संबंधित बीमारियों को भी दूर करने में यह मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है। इस तरह से आप इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको हमारी बॉडी के लिए किस तरह से काम करता है। अगर बात की जाए इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो एमलोडिपिन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो ब्लड को कलेक्ट करता है हार्ट से और पूरी बॉडी के अंदर उसे फ्लो कर देता है। जो ब्लड के अंदर, जिस भी ब्लड के अंदर या फिर जिस भी पार्ट के अंदर, ब्लड के अंदर कोई भी कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगेगा, तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स जो होंगी पतली हो जाएंगी, जिसकी वजह से कोई पतली चीज़ है उसमें ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से करेगा और हार्ट के द्वारा पास किया जाएगा, तो वहाँ पर हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की दिक्कत बढ़ जाती है। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो यह बीपी की दिक्कत को कम करने में मदद करता है, जो कि ब्लड फ्लो को कम कर देता है। ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो हाई बीपी की दिक्कत भी तुरंत रुक जाएगी। इस तरह से हमारी बॉडी पर काम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल करते समय किन किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले जिनको लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है, वो अपने डॉक्टर से हमेशा संपर्क करते रहें। हमेशा संपर्क करके ही इस टैबलेट को या फिर कैप्सूल के फॉर्मेट में आए तो इसका इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर जिनको भी किसी भी प्रकार से प्रेग्नेंट वूमेन है या लैक्टेशन वूमेन है, दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, वरना उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करें इसकी डोज के बारे में, तो इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना चाहिए। दिन के अंदर आप इसे सुबह या शाम के समय इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कोई भी आपको टाइम लगे, फिर भी रात के समय इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है। खाना खाने के बाद सिर्फ एक टैबलेट इसका इस्तेमाल करें। यह 50 mg की मात्रा में आता है। अगर आपको शुरुआती स्टेज है तो 25 mg की मात्रा से शुरुआत कर सकते हैं। डाइट को अच्छा रखना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि स्लीपीनेस, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, टायर्डनेस, ऐसी कुछ दिक्कतें इसमें देखने को मिलती हैं। बात करते हैं इसके इंट्रैक्शन के बारे में, यानी कि अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहले आप किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, इन किसी भी आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। और विटामिन सप्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, वरना आपकी दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही आप सभी से हमारी गुजारिश है, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी किसी भी प्रकार से हाइपरटेंशन की दिक्कत है वो अपने प्रॉब्लम को दूर करेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।